से है और आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पर है, जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी है। अक्टूबर 2012 में जिसका निर्माण शुरू किया गया था और 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। मेरा प्रश्न था माननीय मंत्री महोदय से कि क्या नंदन वन तथा जंगल सफारी में वर्ष 2023 से जनवरी 2024 तक वन्य जीवों की आकस्मिक मृत्यु की घटना हुई है? यदि हाँ तो किस प्रजाति के कितने एवं किन कारणों से वन्य जीवों की मृत्यु हुई है? माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सर्व सुविधा युक्त संपन्न जंगल सफारी में मात्र 13 माह की अवधि में 74 वन्य प्राणियों की मृत्यु होना यह अत्यधिक चिंताजनक है। मैं इसका कारण जानना चाहूंगी। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ध्यानाकर्षण में भी इस विषय को लेकर के विस्तार से उत्तर दिया था और वहाँ पर जितने भी हमारे वन्य प्राणी हैं, चाहे वो सफारी में हो चाहे जू में हो, कई कई कारण हैं। 74 जो हमने इसमें जानकारी दी है, किसी की आयु उम्र ज़्यादा हो गई थी तो किसी के आपसी फाइटिंग के कारण से भी कहते हैं मृत्यु हुई है, कोई वायरल से मृत्यु हुई है, तो ये एक उसमें है। और मैं देख रहा था अध्यक्ष महोदय, पिछले 3-4 वर्षों में लगातार इस विषय को लेकर के वहाँ पर लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है अध्यक्ष महोदय, तो हम इसकी भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। और वहाँ पर हमारे जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, लगभग उनकी अभी वर्तमान में 34 की संख्या है, जिसके विरुद्ध में 53 वहाँ पर कर्मचारी कार्यरत हैं, और निचले स्तर पर जो कहते हैं श्रमिक हैं वो लगभग 300 हैं, वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। और उनको समय समय पर वहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं उनके रक्षा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, उनकी फूड सप्लीमेंट और बाकी जो क्लोरिनेशन वगैरह के लिए वहाँ पर हमारे कर्मचारी काम करते रहते हैं। लेकिन मौतें हुई है अध्यक्ष महोदय, और उसको मैंने कल भी इस बात में सदन में कहा, और अभी भी वहाँ पर जो हमारे कुछ एक हमारे चिकित्सक भी वहाँ पर पदस्थ हैं, एक कंपाउंडर भी पदस्थ है, और उनके माध्यम से उनके उपचार की व्यवस्था भी की जाती है, और समय समय पर हम अंजोरा दुर्ग के माध्यम से भी हम उनकी सेवाएं हम लोग लेते रहते हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक रूप से मृत्यु मात्र 16 है, शेष 58 वन्य प्राणियों की मृत्यु ऐसी बीमारियों से हुई है जिसको समय पर इलाज करके बचाया जा सकता है, जैसे निमोनिया में 8 और संक्रमण मृत्यु में 26, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी, क्या जानवरों की मृत्यु के संबंध में डॉक्टर द्वारा लापरवाही की गई या इलाज से संबंधित किसी तरह की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने उत्तर में ही कहा कि कल हमने 3 अधिकारियों को इसमें शोकास नोटिस जारी भी किया, और वहाँ पर उपचार की जो व्यवस्था है वो हमने सुनिश्चित भी किया। दुर्ग के हमारे जो अंजोरा के से हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के माध्यम से सेवाएं भी ली, और पूरे मामले को हम लोगों ने देखा, और उसमें हम लोगों ने कल भी एक इस बात को तय किया आपके निर्देश के अनुसार कि जो हमारे सेंट्रल जू अथॉरिटी के है उसके माध्यम से इसकी हम एक बार जांच भी कराएंगे कि किन कारणों से। और कोई प्रश्न है? विभाग में वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी कितने हैं तथा कहां कहां पदस्थ है? ऐसे प्रशिक्षित विशेषज्ञ अधिकारियों को जंगल सफारी में क्यों पदस्थ नहीं किया गया, जानना चाहूंगी, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर है। मैं वो डॉक्टर का नाम भी जानना चाहूंगी और वो डॉक्टर कितने प्रशिक्षित हैं ये भी जानना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है उसमें एक जो चिकित्सक है वो डॉक्टर राजेश पांडे है, और दूसरे वहाँ पर एक महिला जो कंपाउंडर है वो भी वहाँ पर पदस्थ है, और उसका नाम भी चलिए बता दिया आपने पूरा, मैं उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय। आपका जो प्रश्न वो तो कल का था, अभी नया क्या हो गया? नया ये हो गया कि माननीय मंत्री जी